कि शायद मेटल में आपको आज अच्छा ट्रेड दिख सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आप थोड़ा सा तो पिकअप होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट जब ओपन हुए थे हम तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हुए थे, लेकिन अब आप देखें टाटा स्टील में वहाँ 1.5% की मूव है, जिंदल स्टील लगभग 1.5% की मूव के साथ है, हिंडालको और वेदांता पर भी हम बात करते हैं, इनफैक्ट हिंदुस्तान कॉपर, तो सारे मेटल स्टॉक्स जो है अब वो उनमें फॉलो बाइंग आ रही है। कोई और स्टॉक, टाटा स्टील तो आपने डिस्कस किया प्रशांत, इसके अलावा कोई और स्टॉक जो आपके रडार पे आ रहा हो बाइंग के लिए? जी प्रियंका, मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील मुझे इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा लग रहा है, और अगर कोई स्ट्रेंथ चाहता है कि एक मोमेंटम प्ले चाहता है तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। जो वेदांता अभी 306 पे आया है, वो अगर मुझे 300 के जस्ट नीचे यानी 299 के आसपास मिल जाए तो मैं इसमें एक पोजिशन डेफिनेटली लेना चाहूंगा, और स्टॉप लॉस में रखूंगा 294 का, यानी करीबन 2% मेरी रिस्क होगी, बट ये 300 के नजदीक ही मैं लूंगा, यहाँ पे नहीं, और वहां से मैं टारगेट रखूंगा 330 का। रिलैक्स मार्केट का एक सरप्राइज है, या फिर ये कहें कि जिसने थोड़ा विश्वासघात किया वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज का। आज शेयर बकायदा आधा परसेंट अब नीचे है। ये आज बहुत उम्मीद थी कि ये निफ्टी को कम से कम होल्ड करवाने में काम करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, आधा परसेंट नीचे आ गया है, थोड़ा साइडवेज हो चुका है शेयर अभी। अब जब तक कुछ पक्के लेवल्स नहीं आते, एक ऐसा लेवल आप मेरे को बता सकते हैं प्रशांत, जहां पर आके कॉन्फिडेंटली बोला जाए कि रिलायंस अभी शेयर रुकेगा नहीं और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा। ये भी निफ्टी का हिस्सा है, अदानी एंटरप्राइजेस भी निफ्टी का हिस्सा है, वो तो चलता है 4 दिन में 20%, इसको लग जाता है बहुत टाइम चलने में। क्लियर कट गैप रेजिस्टेंस है और उस गैप रेजिस्टेंस पे ये रिएक्ट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से करीबन अगर ये 2570 2565 में आ जाए तो ये स्ट्रॉन्ग बाय हो सकता है। स्टॉप लॉस होगा 2540 और वहां से आप टारगेट रख सकते हो 2630 2640 तक का। एक और शेयर है आज जो लिस्ट में एकदम से मेरे को दिखा, वो है बॉम्बे बर्मा। असल में कमोडिटीज़ के अंदर सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि एग्री कमोडिटीज़ के अंदर भी कुछ कुछ मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये बॉम्बे बर्मा करीब 7% ऊपर आ चुका होगा, एक बार आप जरा ये देख के बताएंगे सुमित? एक कैश का शेयर है बॉम्बे बर्मा, 7% BBTC के नाम से इसका कोड मिलेगा आपको। चार्ट्स के बेस पे अगर मैं बोलूं तो 850 इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। 3 बार यहां से अभी तक ये पिछले 1 साल में बाउंस कर दिया है, लेकिन अगर मैं फ्रेश बाइंग बोलूं तो मैं इनिशिएट करना चाहूंगा अबाउट 980 लेवल्स ओनली। किसी ने अगर कोई बॉटम फिशिंग किया है यहाँ पे बाय किया है तो ये लेवल्स पे आके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दे, लेकिन जैसे ही ये 980 के लेवल्स पे सस्टेन करेगा तो एक पोजिशनल ट्रेड के लिए सजेशन जाएगा, अदरवाइज टिल द टाइम प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दें। बॉम्बे बर्मा में वॉल्यूम नहीं होता है आज, वॉल्यूम कितना हो रहा है? 2000 शेयर का वॉल्यूम है। अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा मैं कि ये लो वॉल्यूम स्टॉक है, अच्छे वॉल्यूम, अच्छे बढ़ते वाले दिन अगर आप घुस गए इसमें और ख़राब दिन वॉल्यूम नहीं हुआ तो अटक भी सकते हैं, तो ये एक केयरफुल रहने वाली बात है। और क्या देखें?